हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब जब सुबह थी उस वक्त टैली टीवी स्क्रीन्स पर कुछ अजीब तरीके की दिख रही थी, जिसमें लग रहा था कि सुनामी, आंधी या फिर जो भी कहे आप, वो कांग्रेस की लहर लग रही थी और 70 से 72 सीटों पर वो अंतर दिख रहा था बीजेपी के साथ उनका। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, एक तरीके से पूरी की पूरी टैली ही चेंज हो गई और अब हम स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नंबर्स जो गेम है उनका, वो बीजेपी की साइड जा रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे जुलाना की सीट, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी थी विनेश फोगाट पहलवान, और उनको लेकर बेहद दिलचस्प लड़ाई जो है वो कयासबाजी लग रही थी कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी शिकस्त देने जा रही हैं, कड़ी शिकस्त दे सकती हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पीछे चल रही थी, तकरीबन 2100 वोटों का मार्जिन था, उसके बाद 1200 की वोटों पर आया। और अब जो खुशी की बात ये है उनके लिए कि फिलहाल वो 38 वोटों से आगे चल रही हैं। हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिखाया जा रहा है, इसमें 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है 15 में से, और 38 जो फिलहाल आप देख पाएंगे नंबर जो हैं वो विनेश की साइड है। और कांग्रेस के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए योगेश कुमार जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 38 जो नंबर्स हैं वो उनके खिलाफ ही अभी फिलहाल है। और तीसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी, उसके सुरेंद्र लाथर जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरजीत ढांडा की जेजेपी की साइड से, तो वो 1732 वोटों पर हैं फिलहाल। लेकिन एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कविता रानी को उम्मीदवार बनाया गया था, वो 335 वोट ही उनको महज मिला हुआ है। जिस तरीके से जो चैनल्स थे उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने गलती की है, लेकिन आम आदमी पार्टी की गलती तो केवल उसी के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि 335 जो नंबर्स हैं वो उनको मिले हुए हैं। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि जमानत जब्ती है इनकी। आगे देखें तो हम इंडिपेंडेंट जो हैं वो 80, 25, 65, यानी इनके तो बात ही इनकी नहीं की जा सकती। लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विनेश के लिए फ़िलहाल खुशी की बात है, लेकिन ये क्या आंकड़ा जो दिख रहा है वो फ़िलहाल उनकी साइड रह पाएगा। इससे पहले हम अगर आपको दिखाएं तो ये आपको दिख सकता है कि किस तरीके से विनेश अब से कुछ ही देर पहले 2128 वोटों से वो पिछड़ रही थी योगेश से, और अब जो गेम है वो कहीं ना कहीं उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब हम एक बार जल्दी से हरियाणा के पूरी सीटों की बात करें तो 49 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे दिख रही है आपको, और 35 सीटों पर कांग्रेस है, INLD एक सीट है, PSP एक सीट, और इंडिपेंडेंट जो हैं वो कैंडिडेट 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से सुबह के नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे, और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आंधी, सुनामी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत प्रियंका गांधी को दिया जा रहा था। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले से जब से टैली चेंज हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जुलाना की जो हम बात कर रहे थे वो अपने आप में बेहद दिलचस्प लड़ाई हो जाती है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो नंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ के, कालका हैं, पंचकुला हैं, यमुनानगर है, ये रादौर है, इसके अलावा लाडवा की सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ही प्रत्याशी हैं और वो फिलहाल विनिंग कंडीशन में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थानेसर है, पुंडारी सीट है, इसके अलावा करनाल, अगर जो मेन सीटें हैं वो पानीपत है, रूरल है, उसके अलावा पानीपत सिटी भी है, इसराना की सीट है, इसके अलावा अगर हम बात करें जिंदगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प एक और चीज़ आ रही है जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज, उनको लेकर आ रही है, क्योंकि वो अपनी सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा गया इस सवाल के जवाब में कि कांग्रेस वो कहीं ना कहीं पिछड़ने लगी है, लेकिन अब से जो पहले बात कर रही थी कांग्रेस की, हमारी आंधी है, और जलेबी का एक किस्सा आपने देखा था कि किस तरीके से हरियाणा के चुनाव में वो अपने आप में फैल चुका था, जलेबी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जलेबी को लेकर कि हम फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको लेकर बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा चुटकियाँ ले रही हैं इस पर, और वो कहीं ना कहीं हंसी इस पर उड़ा रहे हैं वो लोग कि अब जलेबी जो है वो इंजन स्टार्ट होगा और किस तरीके से धुआं फेंकेगा और जलेबी फैक्ट्री में बनना शुरू हो जाएगी। अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है।
साहब, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे, उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर, आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है? नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार, मैं तो शामिल हो जाता हूँ। जी, मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। अब कंडीशंस की बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये कौन कौन से फैक्टर रहे होंगे जिसके कारण हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस पिछड़ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये मानी जा सकती है कि जो बीजेपी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन चुके थे, यानी जो निर्दलीय हो गए थे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, वो जब पार्टी छोड़ कर गए तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने में अगर किसी को काम कर रहे थे, वो माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बन गए। लेकिन ट्विटर पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड चल रहा है कि क्या जो जाट थे चुनाव में जो जाट थे वो नॉन जाट में कन्वर्ट हो गए, या कौन सा ऐसा फैक्टर हुआ जो कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गया। फिलहाल अगर बात कर ले तो 49 से 50 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। लेकिन एक और चीज़ दिलचस्प बात हम फिर से आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि जो नंबर्स हैं, अगर 49 सीटों की जिसकी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू की बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है, अगर उनमें देखा जाए तो वोटों का जो मार्जिन है फिलहाल वो आप देख सकते हैं कि किसी पे 8000, किसी पे 700, इसके अलावा कहीं कहीं आपको 700 से भी कम जो वोटों का मार्जिन है वो दिख सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर कहा जाए, देखिए ये 541 का ही मार्जिन है, ये लोहारू सीट है, ये जयप्रकाश दलाल हैं बीजेपी की तरफ से, जेपी दलाल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर बाकी जो सीटें बच रही हैं उनमें कहीं ना कहीं अब 719, यह है फरीदाबाद की सीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 719 का अंतर है अभी फ़िलहाल। लेकिन अब धीरे धीरे जो ये अंतर था, जो अभी 25-30 वोटों का ही मार्जिन रह रहा था, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जुलाना से एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश वहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई थी पूरे चुनाव में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो एक काम करें तो चुनावी प्रचार में विनेश, लेकिन वो फिलहाल 38 जो वोटों का मार्जिन है उनका फिलहाल वही बना हुआ है। 15 में से 7 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल हिंदुस्तान लाइव कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है, और हम ये बताते रहेंगे कि आखिर किस तरीके से, यहां तक कि जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी हमारी तरफ से कंटिन्यू ये चीज़ें आप तक अपडेट पहुंचाई जा रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक सबसे निष्पक्ष, सटीक और सही खबर पहुंच पाए। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।